खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस साल 2023 में 6 मार्च के दिन भगवान शनि उदय हो रहे हैं और भगवान शनि उदय होते ही मित्रों चार राशियां ऐसी है जो कि मार्च के महीने में कर्ज से मुक्त होने जा रही है, कर्ज से एकदम उनको राहत मिलने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है इस साल 2023 में मार्च के महीने में सबसे ज्यादा जो लक्की भाग्यशाली किस्मत वाली जो राशियां रहने वाली है उसके बारे में कंप्लीट अपन जानकारी जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। मित्रों सबसे पहले तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गो माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी ज्यादातर लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता तो सड़क पर इनको जो कुछ भी मिलता है जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल या उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा होकर कुछ ही दिन बाद यही गो माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गो माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, हरा चारा या पौष्टिक आहार मिलता रहे। और मित्रों इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्रीहरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गो माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गो माता को 1 दिन 2 दिन 5 दिन का भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा दिला सकता है और न्याय के देवता भगवान शनिदेव का जो आपको आशीर्वाद मिलेगा ना उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं कि इस साल 2023 में मार्च के महीने में कौन कौन से ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको कर्ज से मुक्ति मिलने जा रही है, उनकी किस्मत भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से एकदम से खुलने जा रही है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आती है मिथुन राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कू बड़ा गय छ के को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। साल 2023 में मार्च के महीने में जो सबसे पहले नंबर पर भाग्यशाली यानी कि लकी राशि रहने वाली है वो आती है मित्रों मिथुन राशि। 2023 में मार्च से ही आपको हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और मित्रों मार्च के बाद ही आपका भाग्य उदय होने की संभावना है। आप नई चीजों को सीखने का मौका मिलेंगे और दोस्तों करियर में आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने के योग है और मेहनत का पूरा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वालों को इस महीने से ही बहुत ही अच्छा आर्थिक लाभ होगा और जो लोग करियर की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो व्यक्ति खुद का व्यापार करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं और उनकी अगर मिथुन राशि है ना तो साल 2023 में मित्रों आपका जो व्यापार है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, ग्रोथ करेगा और भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मार्च के महीने से ही मित्रों आपकी किस्मत के द्वार एकदम से खुलते हुए नजर आएंगे। अगर आप इस साल कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। मार्च के बाद आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और तरक्की होगी, पदोन्नति होगी। और सबसे स्पेशली क्या है मित्रों कि इस साल भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जिनकी भी मिथुन राशि है उनको कर्ज से छुटकारा मिलने जा रहा है, कर्ज से उनको राहत मिलने जा रही है। और वहीं अगर आप अविवाहित है तो इस साल आपका जो विवाह होने का योग है वो भी प्रबलता के साथ बना रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साल 2023 में अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है और व्यापार में अगर आप उसका विस्तार करना चाहते हैं, नई पूंजी लगाना चाहते हैं तो भी समय अच्छा है। जीवन साथी के लिहाज से भी 22 अप्रैल के बाद मिथुन राशि वालों का समय बहुत ही अच्छा रहेगा, उनका भाग्य उदय होने की प्रबल रूप से संभावना बन रही है। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं तो वहीं आपको कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जो कि बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि हमेशा मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन उनका जीवन एकदम से गरीबी में ही निकलता है। दोस्तों मेहनत के अनुसार वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और मित्रों अपने भविष्य की
कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब बनी रहती है, घर में हमेशा धन की कमी रहती है, परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन किसी भी जगह से कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप गुरुजी से कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, साल 2023 में अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है, जिनको कर्ज से छुटकारा मिलने जा रहा है, वो आती है वृश्चिक राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या यी या फिर यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, नए साल 2023 में मार्च के महीने से ही वृश्चिक राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। मार्च के महीने से ही आपके जीवन में खुशियां मिलेगी, नौकरी में जो भी समस्या चली आ रही थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा, कर्ज से राहत मिल सकती है, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। और अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए बहुत ही फेवर में है। आपको कहीं से भी अटका हुआ जो धन है वो भी वापस मिलने की संभावना बन रही है। और मित्रों, भगवान शनिदेव के उदय होते ही आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, रुके हुए जो भी काम है वो पूर्ण होंगे। अगर आप खुद का व्यापार करते हैं तो व्यापार दिनों दिन तरक्की करेगा, नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए भी समय बहुत ही अच्छा और फेवर में चल रहा है। और साथ ही मित्रों, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित है, तो 22 अप्रैल 2023 के बाद वृश्चिक राशि वालों को किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने का प्रबल चांस बन रहा है, प्रबल रूप से योग बन रहा है। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में, तो वो आती है मित्रों तुला राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि वालों को साल 2023 में मार्च के महीने से ही आर्थिक उन्नति होना शुरू हो जाएगा। इस साल आपको सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक रूप से साल 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहने वाला है। जो भी व्यापारी है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम देगा। मार्च के बाद आपको शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को करियर के रूप में कई अन्य ऑप्शन मिलेंगे, धन की आवक बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर आपके कहीं भी कोई भी पुराना कर्ज हो रखा है तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साल 2023 में अगर आप अविवाहित है, आपका विवाह नहीं हो पाया है, तो मित्रों प्रबल योग बन रहे हैं आपका विवाह होने का। चलिए सबसे अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी साल 2023 की, जिनके ऊपर भगवान शनिदेव की अति कृपा दृष्टि होगी, वो आती है मित्रों वृषभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, वृषभ राशि वालों को भगवान शनि के उदय होते ही यानी कि 6 मार्च के बाद समय का पूरा फायदा मिलेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, रुके हुए सारे काम पूर्ण होंगे। वृषभ राशि वालों को 2023 में कर्ज से छुटकारा मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और साथ ही धन लाभ भी होगा, धन की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई भी नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेवर में चल रहा है। बिजनेस में भी जातकों को अच्छा मुनाफा मिलने का ही योग बन रहा है। इस साल 2023 में अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो दोस्तों आपको कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद होगा। चलिए अब बात करते हैं मित्रों की इन चारों राशि वालों को साल 2023 में क्या क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे भगवान शनिदेव का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद हो। तो सबसे पहले तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज है और उसको आप चाहते हुए भी नहीं चुका पा रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या में डूबे हुए हैं, तो मित्रों लगातार 5 सोमवार को आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और मित्रों शिवलिंग के ऊपर आप गंगा जल से अभिषेक करें। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं हो तो आप मित्रों किसी भी गौ माता के कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो मित्रों 5 सोमवार के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल 2023 में आपका भाग्य उदय होने का योग प्रबलता के साथ बनेगा। और हाँ मित्रों, हर सोमवार के दिन 108 बार मन में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य रूप से करना है। और स्पेशली मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2023 में अगर आप भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन भगवान शनि मंदिर जाएं और वहां पर सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जल चढ़ाकर आप उसमें दीपक जरूर लगाएं। अगर पीपल का वृक्ष नहीं हो तो समीप के वृक्ष में ही आप जाकर उपाय कर सकते हैं। और साथ ही मित्रों शनिवार के दिन
किसी भी काले कुत्ते को या तो मीठी रोटी खिलाएं या मीठी रोटी उपलब्ध नहीं हो तो भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किसी भी काले कुत्ते को शनिवार के दिन बिस्किट जरूर खिलाएं। इसका दो फायदा होगा, एक तो आपकी कुंडली में या राशि में राहु मजबूत होंगे और दूसरा भगवान शनिदेव का भी आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। और साथ ही आप चाहे तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। सात्विक चीजों का जो उपाय है ना, वो मित्रों हमेशा आपको अच्छा और शुभ फल ही देगा। ओके मित्रों, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। वैसे अगर आप अपनी राशि के बारे में गुरुजी से ज्यादा जानकारी डिटेल में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी राशि के बारे में डिटेल से जानकारी विश्लेषण करके एनालिसिस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।